अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एरमंदा किचन। आज हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं चिली गार्लिक चाउमिन बनाने की रेसिपी। अक्सर बच्चे या बड़े इसको रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं। मेरी बताए हुए मेथड को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो 10 मिनट में थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आपकी चाउमिन भी किसी रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमिन से कम नहीं बनेगी। तो चलिए इस आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करते हैं। वेज चिली गार्लिक चाउमिन बनाने के लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स का हक्का नूडल्स का पैक लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसकी क्वांटिटी आधी भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी को गर्म करा हुआ है और पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून तेल ऐड करेंगे। तेल डालने से नूडल्स हमारे आपस में चिपकेंगे नहीं। पानी में बॉयल आ गया है, इसी के साथ ही हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। नूडल्स को एक स्पैचुला की हेल्प से हम पानी में अच्छे से सोक करेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और कढ़ाई में लिड लगा देंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको 70 से 80% तक कुक करेंगे। ज़्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे क्योंकि अगर नूडल ज़्यादा कुक हो जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। बीच में एक बार कढ़ाई की लिड खोलकर हम चेक कर लेंगे कि नूडल्स हमारे कुक हो गए हैं कि नहीं। और ये देखिए, नूडल्स हमारे अभी कुक नहीं हुए हैं, थोड़ी कसर इसमें बाकी है, तो इसलिए हम इसको कुछ सेकंड के लिए और पकाएंगे। 1 मिनट के लिए हमने नूडल्स को और कुक करा है और ये देखिए, नूडल्स हमारे आसानी से टूट रहे हैं। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। एक स्ट्रेनर में रख के मैंने इसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लिया है और फिर उसके बाद मैंने इसको ठंडे पानी में वॉश करके फिर इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया है। और ये देखिए कितने किले किले नूडल्स तैयार हुए हैं, इसमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनको हम नूडल्स में शामिल करेंगे। इसमें 1 शिमला मिर्च है जिसको मैंने जूलियन में कट कर लिया है। 1 कप पत्ता गोभी है जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 से 3 गाजर लेंगे, इसे भी हमने जूलियन में कट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया है। 5 से 6 साबुत हरी मिर्च हैं। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डालिएगा और नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको जूसी चाउमिन बनाने का सीक्रेट देने जा रही हूँ। इसके लिए एक बोले मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें हमने 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करा है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर को पानी में हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि किसी तरह का कोई लम्स इसमें ना रहे। तो चलिए चाउमिन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पॉट में 6 टेबल स्पून तेल ऐड करा है। तेल जब अच्छे से हीट हो जाएगा तब हम इसमें 7 से 8 क्लोव गार्लिक की डालेंगे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। चॉप करा हुआ लहसुन ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे और ये देखिए, लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें चॉप करी हुई वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल में सबसे पहले हम इसमें गाजर ऐड करेंगे जिसको मैंने जूलियन में कट कर रखा है। क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती है इसलिए पहले हम इसको 30 सेकेंड तक सॉटे करेंगे। इसके बाद फिर हम इसमें बाकी की चॉप करी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और सब वेजिटेबल्स डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर 2 से 3 सेकंड के लिए हम वेजिटेबल्स को सॉटे करेंगे। यहाँ हमको वेजिटेबल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमको इसको इस पॉइंट तक फ्राई करना है कि सब्जियों का क्रंच बना रहे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं सब्जियों को फ्राई होते हुए और सब्जियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। दोनों ही चीज़ें डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 4 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। ग्रीन चिली सॉस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और ऐड कर लीजिएगा। 2 टीस्पून हम इसमें वाइट वाला सिरका ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास वाइट वाला सिरका नहीं था तो मैंने इसमें नींबू का जूस ऐड करा है। साथ ही 4 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ ही 2 टेबल स्पून हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। टमाटो केचप ऐड करने से इसका खट्टा मीठा टेस्ट नूडल के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देगा। इसी के साथ ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉसेस अपनी पसंद के हिसाब से आप इसमें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम सॉसेज ऐड कर सकते हैं और अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल सॉसेज ऐड कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है और ये देखिए, इसका टेक्स्चर सॉसी हो गया है। और ये देखिए, जब हम इसमें नूडल्स डालेंगे तो ये नूडल्स को बहुत अच्छे से कोट कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हमारे नूडल्स बनके तैयार होते हैं। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे और ये देखिए, नूडल्स हमारे बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एकदम अलग अलग हैं। थोड़े थोड़े कर नूडल्स हम इसमें ऐड करते जाएंगे और नूडल्स को हम इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको नहीं चलाएंगे, नहीं तो नूडल्स हमारे टूट जाएंगे। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे या फिर हम इसको टॉस कर लेंगे।
ये देखिए वेजिटेबल और सॉसेस नूडल्स में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए ग्रीन अनियन को चॉप कर ऐड करेंगे। इससे हमारे नूडल्स दिखने में तो अच्छे लगेंगे, साथ ही इसकी टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। चिली गार्लिक वेज चाउमीन बनकर बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं एक प्लेट में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चिली गार्लिक चाउमीन बनकर तैयार हुई है। ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, खाने में उतनी ही डिलीशियस है। इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर डाला है, उसके डालने से ये बहुत ही ज़्यादा जूसी हो गई है। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए पड़ा भी रहने देंगे तो ये ड्राई नहीं होंगी। थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ आप इसको बहुत क्विकली बना सकते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर इवनिंग स्नैक्स में या फिर छोटे मोटे बर्थडे पार्टीज वगैरह में आसानी से बना सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाएंगे। मेरी इस चिली गार्लिक चाउमीन की सीक्रेट रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।